आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। आजादी के अमृत महोत्सव में स्वच्छता अभियान का जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। खबर जनपद भदोही से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव में स्वच्छता अभियान को लेकर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जहां विविध अभियान चलाने की गतिविधि तय की गई है, वहीं सोखता गड्ढों शौचालय निर्माण के जरिए अभियान को गति दिए जाने की योजना है। इस योजना का शुभारंभ सुरियावा विकास खंड के मौजूदा गाँव से किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने सोखता निर्माण का शुभारंभ करके जनपद वासियों को संदेश दिया। ग्रामीणों को जागरूक करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। कहीं भी गंदगी न होने दे, कूड़ा कचरा एक जगह न इकट्ठा होने दे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने साफ सफाई के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। जिला पंचायत राज अधिकारी बालेश्वर द्विवेदी ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया कि शासन ने स्वच्छ भारत मिशन को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। ग्राम स्तर पर स्वच्छता जागृति यात्रा निकाली जाएगी। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक पूरे वर्ष ग्राम प्रधानों से संवाद स्थापित किया जाएगा, जबकि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 तक सभी ग्राम सभा में खुली बैठक का आयोजन कर विकास कार्यों पर मंथन होगा। प्रत्येक गांवों में गीले व सूखे कचरों के निस्तारण के लिए सोखता गड्ढे तैयार किए जाएंगे। इसमें 5 ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सोखता गड्ढे बनेंगे, जबकि 10 ग्रामीणों को प्रेरित कर व्यक्तिगत सोखता गड्ढों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 15 सितंबर से 100 दिवसीय अभियान चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक डॉक्टर सरोज पांड्या ने कहा कि स्वच्छता के लिए प्रेरित करने को ग्राम पंचायतों में वॉल पेंटिंग व नारा लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके लिए सभी ग्राम प्रधान सचिव व एडीओ पंचायत को निर्देशित किया जा चुका है। इस मौके पर ग्राम प्रधान राजमणि पांडेय, ग्राम पंचायत सचिव मनोज मौर्य, सूर्यमणि पांडेय, रमाकांत मिश्र, संतोष सिंह, शंभुनाथ सेठ, वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव, विकास सिंह, रमेश चौहान, निर्विकार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज हमारे भारत देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे हिंदुस्तान में 75वें वर्ष आज़ादी के वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा हर गांव सभा में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 15 सितंबर से चालू हुआ है। स्वच्छता अभियान के तहत आज मौजूदा ग्राम सभा में सुरियावां विकास खंड में माने शुभारंभ हुआ। इसमें मुख्य रूप से जिले के अधिकारी DPRO साहब भी मौजूद थे, समन्वय अधिकारी सरोज पांडे जी मौजूद थे और उसमें गांव के सभी सम्मानित नागरिक उपस्थित थे और गांव के प्रथम नागरिक प्रधान जी वहां पे उपस्थित थे। उनके देख रेख में आज सुखता माने शौचालय का पानी और गांव का पानी जो माने खराब पानी जो होते हैं उसमें जा करके साफ हो जाएंगे, उसमें सुखता में जा करके वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। यही कार्यक्रम आज ग्राम सभा मौजूदा में था और मैं आज गांव सभा में मैं सबसे अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि हर घर घर माने आप लोग सफाई अभियान चलाएं, क्योंकि इस वक्त गाँव में ज्वार बुखार का प्रकोप चला है। तो जब हम सब सही रहेंगे माने स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर के हमारे गांव देश में खुशहाल रहेगा। इसलिए हर घर घर लोगों से मैंने अनुरोध किया कि साफ सफाई रखें। यही आज का मेन कार्यक्रम मौजूदा ग्राम सभा में था। जय हिंद। आज़ादी के अमृत महोत्सव, ये आपको पता है कि साल भर कार्यक्रम चलना है। इसके अंतर्गत आज दिनांक 15 तारीख से लेकर के 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता के विशेष कार्यक्रम
सभी ग्राम पंचायतों में चलाए जाने हैं, जिसमें जन जागरूक करते हुए लोगों से साफ सफाई के प्रति प्रेरित करना और विशेष करके आज के दिन जनप्रतिनिधियों के को शामिल करते हुए उनके माध्यम से संदेश देने के लिए सोखता गड्ढों की खुदाई का कार्य। हर ग्राम पंचायत में 10 व्यक्तिगत सोखता गड्ढे और 5 सामुदायिक सोखता गड्ढों का निर्माण होना है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ प्राइमरी स्कूल के पास से जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही के द्वारा की गई है। मुख्य कार्यक्रम ये था। दूसरा विद्यालय देखना था, जिसमें 19 पैरामीटर्स जो होने चाहिए पूरे मानक पूरा करने के लिए, उनका निरीक्षण किया गया। विद्यालय में कई मानक तो पूरे हैं, कुछ जैसे बाउंड्री नहीं है जगह की कमी के कारण, किचन में टाइल्स नहीं है और पानी की सप्लाई नहीं है, कमरे कुछ मरम्मत की ज़रूरत है जैसे खिड़कियाँ, और एक बिल्डिंग पुरानी है जिसके बारे में निर्णय लिया जाना है, इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सौंपी जाएगी। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।